हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर का किचन। और मैं हूँ सुमित। आज हम लोगों ने बनाना है पाइनएप्पल सैंडविच। और गाइस, ये जो पाइनएप्पल सैंडविच है, इसकी ख़ास बात ये है कि ये पाइनएप्पल चीज़ सैंडविच है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि इसे हमने दो तरीके से बनाया। एक हमने कोल्ड सैंडविच बनाया है, यानी कि बिना टोस्ट किए हुए। एक हमने टोस्ट भी हमने कर दिया है, यानी कि ग्रिल कर दिया है। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा पाइनएप्पल स्लाइस। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप पाइनएप्पल को ले, फिर उसका स्लाइस करें, फिर उसे शुगर सिरप के अंदर में एक बार उबाल दें, तब जाके वो रेडी होगा। या तो आपका दूसरी चॉइस है, आप ऐसा कैन खरीद लें। ये बिरला कंपनी का कैन है। वैसे कंपनी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्रांड, वो है मॉर्टन, और ये बिरला कंपनी का है, ठीक है। और हमारे पास में है कैन कटर, यानी कि कैन ओपनर भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में अच्छे से मैं अपने कैन को ओपन कर लेता हूँ। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कैन ओपनर, क्योंकि काफ़ी लोगों को होती है हेजिटेशन कि हम अगर कैन खरीदेंगे तो उसे कैसे खोलेंगे। तो इसलिए है कैन ओपनर। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कैन का भी लिंक है। ये मैंने अमेज़न से मंगाया था। दो कैन आते हैं, सस्ते आते हैं, महंगा नहीं है। अब प्राइस तो मुझे याद नहीं है। अब गाइस, ये जब ओपन हो जाता है तो कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। इसके अंदर में छोटे बड़े पीसेस सब होते हैं। अब हमारे पास में है पाइनएप्पल जैम। अब इस जैम को डायरेक्टली लगाना आप लोग सबको पता होगा, मम्मियों को बेसिकली पता होगा जो अपने बच्चों के लिए जैम लगाती हैं, कि जैम आसानी से लगती नहीं है। तो भैया, जैम को आसानी से लगाने के लिए हमने क्या करना है, इसे हमने फेंटना है। फेंटने के लिए या तो आप बटर नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप फोक का यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले बटर नाइफ़ किया, अब आपको दिखाने के लिए मैं फोक का भी यूज़ करूँगा, ठीक है। किसी किसी के पास में बटर नाइफ़ नहीं होता, तो फिर अब चलिए, हमने फोक के साथ में इसे अच्छे से हमने अपनी जैम को फेंट लेना है। ये आप एक किचन टिप समझ के रख लो मेरी तरफ से, ये आपको हमेशा काम देगी जैम लगाने के लिए। अब हमने अपनी ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं, अभी दो स्लाइसेस मैंने ली हैं, इसके साइड्स को हमने हटा देना है। थोड़ी सी छोटी ब्रेड है मेरी, आप थोड़ी बड़ी ले लेना। अब अच्छे से हमने इसके जो साइड वाले हैं वो हमने हटा दिए, ब्राउन वाला पार्ट। अब आपने इसे फेंकना नहीं है, आपने इसे धूप में सुखा लेना है। उसके बाद में आपने इसे मिक्सर के जार में पीस देना, आपका बन जाएगा ब्रेड क्रम्ब। उसके साथ में अभी रेसिपीज आने वाली हैं मेरी। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी ब्रेड की चारों स्लाइसेस के ऊपर में बटर लगाना है, सिंगल साइड बटर हमने लगा देना है। तो चलिए, अब थोड़ा स्पीड वाले मोड पे हमने इसके ऊपर में बटर लगा देना है, फटाफट ही लग जाता है। दैट्स इट, अब ये लग गया। अब हमने जैम लगानी है, तो जैम भी ऐसे ही लगानी। अब आपको पता लगेगा कि जैम की अब खासियत क्या है इसे फेंटने के बाद में। ये ऐसे लगाई, बस आराम से लग गई। ये आप किचन टिप समझो मेरी तरफ से, ये बड़े फायदे की आपको टिप है, ठीक है ना। ये मुझे काफी सालों के बाद में पता लगी है। अब चलिए, इसे हमने अपनी चारों स्लाइसेस के ऊपर में हमने जैम लगा ली है। अब हम दो स्लाइस अपने पाइनएप्पल के रख देते हैं, एक एक स्लाइस एक एक के ऊपर में। अब ये है चीज़, अगर आपका मन है चीज़ डालने का तो डालें, नहीं डालना है तो मत डालें। वैसे भी सैंडविच बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि मेरी मम्मी को तो चीज़ वाला अच्छा ही नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बनाया है। आप बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक क्यूब चीज़ का इसके ऊपर में ग्रेट कर देना है, और दूसरे वाले स्लाइस के ऊपर में भी एक क्यूब हमने ग्रेट कर दिया है। आप चीज़ थोड़ा कम भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमने दूसरी वाली स्लाइस के साथ में इसे हमने अच्छे से ढक दिया है। दैट्स इट, ये हमारा बन गया कोल्ड सैंडविच। कोल्ड सैंडविच वो होता है जिसे हम टोस्ट नहीं करते, ठीक है। अगर आप इसे एज इट इज़ खाना चाहे तो अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मीठा मीठा भी लगता है। और अगर चीज़ ना हो तो और ज़्यादा मीठा मीठा लगता है। अगर चीज़ है तो थोड़ा सा मीठा नमकीन वाला फ्लेवर आता है, क्योंकि चीज़ में नमक होता है। अब हमने इसकी स्क्वायर शेप के अंदर में कटिंग की है। आप चाहे तो इसे रेक्टेंगुलर शेप भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर में है। अब इसके ऊपर में भी ना थोड़ी थोड़ी जैम मैं लगा देता हूँ, ना कि दिखने वाले को पता लगे कि हाँ ये जैम वाला सैंडविच है। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, दूसरा वाला जो हमारा ब्रेड का जो हमारा सैंडविच है, इसके ऊपर में हमने अपना बटर लगाना है, क्योंकि हमने इसे टोस्ट करना है, तो फिर बटर तो लगाना ही पड़ेगा दोनों ही साइड के ऊपर में। अब गया पलट के फिर से इसके ऊपर में हमने लगा दिया है बटर।
अब इसे हम ग्रिलर के अंदर में रखते हैं। ये सेलो कंपनी का ग्रिलर है जो कि अभी मैंने प्री हीट कर लिया है पहले से ही। अब ये प्री हीटेड है, इसे अब बंद करते हैं, एक मिनट तक इसे पकाते हैं, या जो इसकी सेकंड वाली जो इसकी लाइट है वो जलने तक इसे हम पकाते हैं। लाइट आपको अभी नहीं आ रही होगी नज़र, क्योंकि मेरी किचन की अभी रोशनी बहुत ज़्यादा है। अब दैट्स इट, अब ये टोस्ट अब हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है, अगेन सेम ही हमने इसकी कटिंग करनी है। अगर आपको भी मेरी तरह यूट्यूब के ऊपर में प्लेटिंग करके दिखाना है तो घर पे खाना है तो जैसे मन वैसे उठाओ और खाओ यार, ठीक है ना। अब इसकी मैं करूँगा प्लेटिंग, एक पीस को ऐसे पीछे रखते हैं, जी हाँ हम ऐसे रखने वाले हैं इसे चेस बोर्ड के जैसे, ठीक है, इसे बोलते हैं चेस बोर्ड प्लेटिंग, ठीक है। चलिए आपको भी धीरे धीरे पता लग रहा है कुछ कुछ चीज़ें, मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। दैट्स इट, हमारी प्लेटिंग डन है, हमारा सैंडविच भी डन है, आप इसे खाएं आपको अच्छा लगेगा। अब कुछ लोगों को ना ये कोल्ड वाला सैंडविच अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को टोस्ट वाला, तो फिर आप देख ले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बना ले। कुछ लोगों को चीज़ इसमें नहीं पसंद आएगा, कुछ लोगों को चीज़ पसंद आएगा, तो आप उस अकॉर्डिंगली इसे बना सकते हैं। थोड़ा बहुत हेर फेर चलती है। बस गाइस इतनी थी वीडियो, बाय बाय।